Hello everyone, welcome back to ADDA 24/7 UG entrance exam. I'm your mentor Sakshi Dubey and today we are here to discuss another topic of static GK, that is father of various fields. Hello guys, jaldi aa jao, sab log join kar lo please. कल हम लोगों ने पढ़े थे फादर ऑफ वेरियस फील्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनली पढ़े थे हमने जो भी फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स हुए हैं, बॉटनी हुए, ज्योग्राफी हुए, डेंटिस्ट्री हुए, इसके अलावा काफ़ी सारे हमने पढ़े थे. ये काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अटेंड की थी ये क्लास, बाकी लोग कहाँ गए भाई, जल्दी ज्वाइन करो. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर सेशन. राइट, ज्वाइन करते जाएंगे लोग. ठीक है, तो हम देखते हैं जितने भी डिफरेंट फील्ड्स के जो फादर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, फ्रॉम द इंडिया. ठीक है, इंडिया में कौन किस फील्ड में पायोनियर हुआ है, किसको किस फील्ड का फादर कहा जाता है, ये हम देखेंगे. तो फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है, दैट वुड बी महात्मा गांधी. ठीक है, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन. नाउ हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सो दैट वुड बी बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया, जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडिया हुआ, उसके फादर कौन है, बी आर अम्बेडकर. नाउ राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो ये किस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. अदर देन दैट, जो सोशियो रिलीजियस सीन था हमारे इंडिया का पहले मॉडर्न इंडिया में, सो उसको चेंज करने में बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है राजा राम मोहन रॉय का. गुड मॉर्निंग फैजल, गुड मॉर्निंग केशव. सो जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये सोशल रिलीजियस, सोशल जो स्टिग्मास थे, सोशल प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए चेंजेस लाने में राजा राम मोहन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में. सो ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. रिचा हाय, गुड मॉर्निंग. नाउ लेट्स सी हु इज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी. तो ये कल भी देखा था हमने, हु इज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी. सो इट इज पोती श्रीरामलू. ठीक है, श्रीरामलू, पोती श्रीरामलू इज फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आई विल बी मार्किंग हियर. ठीक है, नाउ हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदुत्व. तो स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदुत्व. ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. इंडिया में मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर कहलाते हैं, हु इज दैट, सो इट वुड बी महादेव गोविंद रानाडे. नाउ हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर और एटॉमिक प्रोग्राम, इट वुड बी होमी जहांगीर भाभा. ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया को एक नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम. उन्हीं की हेल्प से इंडिया ने न्यूक्लियर और एटॉमिक प्रोग्राम चालू कर पाया इंडिया, राइट. सो होमी जहांगीर भाभा जो है वो फादर ऑफ न्यूक्लियर या एटॉमिक प्रोग्राम कहलाते हैं. एंड दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ हमने देख लिए कितने इंपॉर्टेंट है, पांच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है. सो नेक्स्ट इज फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम. कल भी मैंने बताया था, हु इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई. हमने इसरो के अंडर भी पढ़ा था, विक्रम साराभाई को फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है. और इसके अलावा एक मूवी भी आ रही है रॉकेट बॉयज, जिसमें होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई के बारे में दिया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी रिलीज. ठीक है, सो विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम. ठीक है, तो नाउ हु इज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, ये तो सबको पता ही होगा, राइट. इट इज एपीजे अब्दुल कलाम. एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम.
हमने स्पेस रिलेटेड तीन लोगों को देख लिया, फादर ऑफ एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट इज होमी जहांगीर बाबा, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इज विक्रम साराभाई एंड फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. नाउ हु इज द फादर ऑफ कॉमिक बुक्स? सो दैट वुड बी अनंत पाई. फादर ऑफ कॉमिक बुक्स कौन है? अनंत पाई. नाउ हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? दैट इज जेम्स रेनल इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी. नाउ इंडिया में हु इज द फादर ऑफ सिनेमा? दादा साहब फाल्के, दैट इज धुंडी राज गोविंद फाल्के इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. और दादा साहब फाल्के के नाम पे अवार्ड भी है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राइट? सो प्लीज टेल मी ये अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? आपको सारे सेशंस में जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? यू विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन. दादा साहब फाल्के अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? यू विल हैव टू टेल मी. स्टेनली था, बट दैट इज हमने वो कल के सेशन में पढ़ लिया कार्तिक. हमने इंटरनेशनली कौन से फादर कौन से फील्ड के हैं ये हमने इंटरनेशनली कल के सेशन में पढ़ा था, आप चाहो तो जाके देख सकते हो. यहाँ हम आज इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, राइट? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कौन किस फील्ड का फादर है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? उसके अलावा हु इज द फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट? नाउ एन जी रंगा इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट. मतलब जो फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने के लिए कौन आगे आया था, किसने पीजेंट्स के फार्मर्स के जितने भी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किया, दैट वुड बी एन जी रंगा. सो ही इज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ पीजेंट मूवमेंट. सो एन जी रंगा इज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, राइट? नाउ हु इज द फादर ऑफ हाइब्रिड सोर्गम? दैट इज नीलम राजू गंग प्रसाद राव. तो वॉट इज हाइब्रिड सोरगम? सोरगम इज अ काइंड ऑफ मिलेट, ठीक है? इंडियन सोरगम को हम ज्वार के नाम से भी जानते हैं, राइट? इसके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे सोरगम इज ऑल्सो यूज एज टू फीड लाइफ स्टॉक्स. मतलब जो उनके लाइफ स्टॉक्स हैं जैसे काउज हो गई, बफेलोज हो गई, ठीक है, उसको फीड करने के लिए भी सोरगम यूज किया जाता है. बट इंडियन मिलेट इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वार एंड इट इज यूज By Indians, ठीक है? उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, फाइबर का जो परसेंटेज है ज्वार में बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ टू, ठीक है? सो नीलम राजू गंग प्रसाद यादव राव इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम. नाउ हु इज द फादर ऑफ पेलियोबोटनी? नाउ बीरबल सहानी, ये हमने कल भी देखा था. बीरबल सहानी, देखो कल अगर हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो यू गाइज आर रिवाइजिंग इट, ठीक है? यू गाइज आर रिवाइजिंग इट, और इसको ध्यान से पढ़ लेना, याद रख लेना. अगर दो बार आप पढ़ रहे हो तो आपको याद हो जाना चाहिए. सो फादर ऑफ पेलियो बॉटनी इज बीरबल सहानी. हु इज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन तो पढ़ लेते हो, बट यू गाइज स्किप द पार्ट दैट हु वॉज द पायोनियर इन दैट फील्ड. तो अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है? ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज फॉर फिशरीज, वैसे ही आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है? ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज फॉर फिशरीज. नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज फॉर एग्रीकल्चरल सीरियल्स, ठीक है? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो पायोनियर इंडिया में थे दैट वुड बी MS स्वामीनाथन, ठीक है? टेल मी हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंटरनेशनली, ये कल हमने पढ़ा था. हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंटरनेशनली, ये आपको बताना है, ठीक है? इंडिया में कौन थे? MS स्वामीनाथन. नाउ पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, जिन्होंने ये आइडिया को एक्सेप्ट किया था, सो दैट वुड बी चिदंबरम सुब्रमण्यम, ठीक है? MS स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आइडिया लेके आए, ठीक है, कि हमें इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना है. और पॉलिटिकली
उसको इम्प्लीमेंट करवाने में किसने हेल्प की? चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने. सो हिट ही इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिटिकल फादर ऑफ वीट रिवॉल्यूशन. नाउ फादर ऑफ वीट रिवॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे तो दैट वुड बी दिलबाग सिंह अठवाल. ठीक है, हु इज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन? वाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गीज कुरियन. ठीक है, वर्गीज कुरियन. ये सारे आप जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं उनके जो पायोनियर्स हैं उसके नाम, उनके नाम आप याद रखोगे. ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. वाइट रिवॉल्यूशन इज फॉर मिल्क, राइट? सो ये किसने स्टार्ट किया था? वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट किया था एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट इज फादर ऑफ वेटरनरी साइंस. वेटरनरी साइंस, व्हाट इज वेटरनरी साइंस? वेटरनरी साइंस मतलब जितने भी एनिमल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो साइंस को स्टडी करते हैं, दैट ही वुड बी कॉल्ड मतलब वेटरनरी साइंस वही पढ़ेगा. ठीक है, नाउ द फादर ऑफ वेटरनरी साइंस इज ऑल्सो इज साहिल होत्र, चाली होत्र. चाली होत्र इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वेटरनरी साइंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फादर ऑफ सिविल एविएशन एंड इट वुड बी जे आर डी टाटा, दैट इज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा. ठीक है, अभी टाटा कंपनीज ने एक एयरलाइन खरीदी है इंडिया की, उसका नाम बताओ. ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. सो इंडिया की एक एयरलाइन है दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय द टाटा कंपनीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट. सो व्हाट इज दैट एयरलाइंस नेम? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो फादर ऑफ एयरफोर्स कौन है? इंडियन एयर, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स ही इज सुब्रतो मुखर्जी. ठीक है, तो सुब्रतो मुखर्जी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स. हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? छत्रपति शिवाजी महाराज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेवी. ये इंपॉर्टेंट याद रख लें. हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग के जो है हमने पहले भी देखा था कि सर विश्वेश्वरैया जो है इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या फादर ऑफ इंजीनियरिंग भी बोला जाता है इनको. ठीक है, और इनके ही बर्थ डेट पे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है. नेक्स्ट इज फादर ऑफ सर्जरी. ठीक है, तो सुश्रुत जो एंशंट इंडिया में रहे थे, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी. नाउ हु इज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन? फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन इज दुर्गेश पटेल. फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन वॉज रिलेटेड टू अनियंस, राइट? अनियंस से रिलेटेड था फादर ऑफ पिंक, जो पिंक रिवॉल्यूशन था वो अनियन से रिलेटेड था. नाउ हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन? सो दैट वुड बी इंदिरा गांधी. एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू गुड मॉर्निंग सौमित्रो. नाउ हु इज द फादर ऑफ गोल्डन गोल्डन रिवॉल्यूशन? सो गोल्डन रिवॉल्यूशन के जो पायोनियर थे वो थे नीरपक टूटज. ठीक है, नीरपक टूटज जो थे फादर ऑफ गोल्ड रिवॉल्यूशन थे. अब ये चार रिवॉल्यूशन किस लिए थे ये सारे आपको बताने हैं. ठीक है, सो द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो इज सैम पित्रोदा. ठीक है, सैम पित्रोदा जो थे ही वॉज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन. गोल्डन रिवॉल्यूशन किस फील्ड के लिए था ये बताना है आपको. येलो रिवॉल्यूशन किस चीज़ के लिए स्टार्ट हुआ था ये बताना है. नाउ ऑल्सो रेड रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय विशाल तिवारी एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन, राइट? नाउ हु इज द फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री? तो फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री कौन है? डी आर भरवाले. तो ये सारे आज हमने फादर्स देखे आपको, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? नहीं रचा, गार्डन से रिलेटेड नहीं है गोल्डन रिवॉल्यूशन. हाँ, गोल्डन रिवॉल्यूशन जूट से रिलेटेड है एंड ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू ऑयल्स. ठीक है,
गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एज वेल एज ऑयल्स। सॉरी, गोल्ड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट्स एंड येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल। ठीक है, एंड रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू टोमेटोज एंड मीट। हाँ, टोमेटो से भी है एंड मीट से भी रिलेटेड है येलो रिवॉल्यूशन। तो ये सारे आज हमने रिवॉल्यूशंस के फादर्स पढ़े। ठीक है, जितने भी फादर ऑफ ज्योग्राफी पढ़े, फादर ऑफ नेशन पढ़ा हम लोगों ने, तो ये सारे जितने भी मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं, तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चारों भी आप लोग याद रखना। सो दिस कम्प्लीट्स आर फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स। कल का सेशन जाके देख लेना, दैट इज़ फॉर इंटरनेशनल फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड, एंड जो आज का सेशन था दैट वॉज फॉर इंडियन फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड, राइट। तो ये सारे आपको एकदम याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। मैंने स्टार मार्क कल के सेशन में भी कर दिया था, मैंने स्टार मार्क आज के सेशन में भी कर दिए हैं। जो जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो फादर्स जो आपके हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आप अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज करते रहना। अगर रिवाइज करना हो तो वापस से आके उसको इनटू 1.5 इनटू 7.5 आके इसको चेंज करके देख लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप फटाफट उसको रिवाइज कर लोगे। ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा उसको, ठीक है, उसके बाद आप एक हफ्ते में वापस से आके इसको एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज करते रहो, तभी वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, आपको याद रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चंस करते रहो। अड्डा 24/7 के ऐप में जाओगे तो आपको वहाँ यूजी एंट्रेंस एग्जाम का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ जाके आप जितने भी क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज रिलेटेड, इंग्लिश, क्वांट, लॉजिकल, सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज का जो सेशन है हम यही खत्म करते हैं, राइट। वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे, ठीक है, फॉर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, एज वेल एज हम 7 से 7:30 बजे भी मिलेंगे फॉर जीके ऑफ CU CET। ठीक है, उसके अलावा हमने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको देखने हैं तो अगर आपको देखना है CU CET में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज ज्वाइन विथ अस, है ना, यूट्यूब पे ऑन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स 6-6 बजे से आपके साथ हम लोग जुड़ जाएंगे। तो वहाँ आप देख सकते हो कौन कौन सी क्लासेस हो रही है। इसके अलावा और जानकारी चाहते हो, और इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट यू कैन गो टू आर चैनल, एंड वहाँ पे हमने पूरी अपडेटेड लिस्ट बनाई हुई है कब कौन से चैनल, कब कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर गाइज, वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे, प्लीज़ बी राइट ऑन टाइम एट 8 AM मॉर्निंग।